press the bell icon for all the updates. बहुत पसंद है, गाने भी सुने मैंने। क्या कौन सा गाना पसंद है बता अभी। नहीं वो एक ही गाना है, इसको बेसिकली यही पसंद है। हां ये पसंद। हम दूसरा गाने का नाम क्या है? नाम है मेरा। आपका माइक यहाँ से हम ये कहना चाहेंगे कि 9 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है। इट्स एन ओवरऑल ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग। इट्स गॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरोटिका, थ्रिलर, रोमांस, amazing songs, suspense, yeah. everything. It's got Karan Vai, it's got Ehana Dhillon, it's got me, it's got the one and only Urvashi Rautela and Vishal Pandya behind the camera. So it's going to be an amazing watch. It's a thorough entertainer. Yeah. Please watch it and leave your comments on the T-Series website. So, characters ki baat ki jaye, to kis tarah ka kirdar hai aapka? Simple hai, main villain hu, ye heroine hai aur wo hero hai. Simple ho gaya. हमने कुछ नया बोलना चाहते हैं, बट आई थिंक बिकॉज़ यू नो व्हेन यू कीप गिविंग इंटरव्यूज यू टेंड टू लाइक नॉट से टू मेनी। अच्छा ठीक है, ये विलन है, मैं हीरोइन हूं और ये हीरो है। अच्छा मैं हीरो हूं। नहीं यार, आई थिंक ये एक फिल्म में हर कैरेक्टर ग्रे है। सब पूरे पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, इंक्लूडिंग जो सबसे ज्यादा आई थिंक ग्रे है वो विवान का कैरेक्टर है, लेकिन देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ विवान्स कैरेक्टर दैट इज अ नाइस मैन। लाइक यू नो आप यू विल फील फॉर विवान्स कैरेक्टर, यू विल फील फॉर हर, यू विल फील फॉर उर्वशी आल्सो एंड यू फील फॉर उर्वशी द फीलिंग्स विल बी डिफरेंट। लाइक ही जस्ट डेमोंस्ट्रेटेड दैट कि उनको दो वो अलग वाली फीलिंग्स है और दोनों गाने उर्वशी के उर्वशी वो अलग ही फीलिंग्स है, वो ठीक है। सो यार आपके लिए बहुत स्पेशल है, फिल्म डेब्यू है आपका, तो आप क्या क्या कह रहे हैं? I would say I'm very excited that I got a debut with History 4. It's a hit franchise, everyone knows. And it's T-Series, of course, one of the biggest production house in Bollywood. And amazing story, except that it's an amazing story. When I signed the movie, I read the script. It's very amazing and it's based on true, inspired by a true incident, you can say. And my character has lots of variations in the movie. Like as Karan told you, it's a revenge story, so every character has a gray shade. But besides that, it has lots of variations. It was great for me to performing that because I think for me, for a beginner or for a debut, people are going to judge me from this movie, but I got to play the best. So I'm very happy. So obviously, जानना चाहिए और भी सीरीज पास सेकंड थर्ड आपने तीनों देखी? यार मैंने सेकंड और थर्ड देखी, मैंने फर्स्ट नहीं देखी। फर्स्ट एक्चुअली बहुत पहले आई थी, आई थिंक 2005 में या 2008 में आई थी, 2012 में मुझे ये भी नहीं पता। तो आई थिंक सेकंड हिस्टोरी 2 से क्या हुआ था, आई थिंक द फ्रेंचाइजी बिकेम मोर कमर्शियल, थोड़ा सेक्स एलिमेंट, इरोटिक एलिमेंट डालने से, गाने पंप इन करने से आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ा था। तो आई थिंक सेकेंड थर्ड मैंने देखी थी, मुझे दोनों अच्छी लगी। होपफुली हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को फोर्थ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो भी और आपकी बात करें, आपकी जर्नी बॉलीवुड में बहुत ही कमाल कर रहे हैं आप, तो थैंक यू। इस बार किस तरह क्या करने वाले, क्या खास लगा आपको हिट स्टोरी 4 पे जो आप? देखिए एटलीस्ट फॉर मी ऐसा ये रोल करने का मौका इसलिए मैंने अपनाया क्योंकि ये रोल जो है वो इन योर फेस विलन नहीं है, ही इज बिहाइंड द सीन्स, ही इज वो ग्रे है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि चिल्ला के सबको मार देता है, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो, इट्स लाइक पता भी नहीं चलता कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन, देन यू फाइनली फाइंड आउट कि इट्स हिम। सो इट्स अ नाइस वे, इट्स अ डिफरेंट रोल फॉर मी और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो चैलेंज था मेरा, तो दैट वाज फन फॉर मी, दैट्स व्हाई आई चोज इट। सो विशाल के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार बहुत ही मजेदार डायरेक्टर हैं वो ना, कभी इट वाज अ पेड हॉलिडे, हां मतलब वो कभी-कभी ऐसी-ऐसी चीजें कर देते हैं। आई नेवर मेट दिस चिल्ड आउट पर्सन लाइक विशाल पांड्या, वो लगते ही नहीं है कि वो डायरेक्टर हैं, आल्सो बिकॉज़ ऑफ द एज, आई थिंक यू नो वी आर ऑल ऑलमोस्ट द सेम एज, थैंक्स करण फॉर दैट। मतलब आई थिंक एक टाइम के बाद कोई एज का डिफरेंस, मतलब जब आप छोटे होते हो ना कि वो 10 साल का और मैं 20 का हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन उसके बाद आई थिंक आप वंस यू क्रॉस 25-26 सब ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ पे आ जाते हैं। तो आई थिंक इवन आर डीओपी, यू नो शी वाज आल्सो सो मच फन, सुनीता जी वाज सेकंड बिग फिल्म, सो इट्स गुड, सो इट वाज वेरी यंग, या सो वेरी यंग लॉट ऑफ पीपल, आवर कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, आवर हेयर एंड मेकअप, या एवरीबॉडी, दे वर ऑल सेट वाज अमेजिंग, इवन विशाल पांड्या लाइक ही इज, जैसे हमने पहले भी इंटरव्यू में बोला, ही इज वेरी फोकस्ड एंड ही इज वेरी क्लियर इन हिज हेड कि उसको क्या चाहिए, स्पेशली विद अ फिल्म लाइक दिस ना, उनको पता था कि
उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए. सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट. सो इट हेल्प्स द एक्टर्स अ लॉट. सो इट वाज अमेजिंग. वो शी लीड कर रही है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा फिर इस पे? क्या एज अ लीड है वो? तो हम भी लीड है, हम कोई मतलब कोई जूनियर आर्टिस्ट थोड़ी है. आपने कहा भाई ग्रे है. ग्रे इज माय कैरेक्टर. एक्चुअली अगर आप फिल्म देखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि सबका रोल इक्वल है. यस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म इज ओशी बट एवरीबडी इंक्लूडिंग इहाना हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले एंड इट्स नथिंग टू डू विद लीड और एनीथिंग. इट्स अ टीम एफर्ट. आई थिंक वो दिन चले गए यार. हाँ, जब आप लीड मतलब लीड से किसी को बॉदर होता था कि अरे यार ये लीड है मैं लीड क्यों नहीं. उससे फिर सबसे पहले तो फिर उन्हें ये होना चाहिए कि मेरा ग्रे कम होना चाहिए, दूसरे का ग्रे ज़्यादा होना चाहिए. आई थिंक शी इज़ ऑन द पोस्टर बिकॉज ऑफ अ रीज़न. वो रीज़न आपको 9 मार्च को फिल्म देख के ही पता चलेगा कि वो रीज़न क्यों है. बिकॉज शी इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन इन द फिल्म हु हैज़ अ सीन विद ऑल ऑफ अस एंड हैज़ अ मोमेंट और अ कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट विद ऑल ऑफ अस. तो दैट्स वाई शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट. सो क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों फैंस के लिए? बम बम बोले. Yes, really, Hit Story 4 releasing on 9th of March. Guys, go watch theaters near you. Not only near you, everywhere actually. And yeah, it's my debut. So please go watch and support me. We worked hard and I hope you Delhi like it. के कोई theater में ये होगा. तो इसको देखने जा सारे थिएटर में जाइए, देखिए कि करण भाई कौन से थिएटर में, कौन से थिएटर में, कौन से थिएटर में हूँ मैं. तो बस देखिए यार, हमने मेहनत की है. अच्छी लगे तो भी बताइए, नहीं अच्छी लगे तो भी बताइए. टिकट खरीदिए, कोई बात नहीं. टिकट तो तुमने खरीद ली होगी. कोई बात नहीं.